बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। बिश्नाह विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुंदन ने बिश्नाह के गांव पटियाड़ी के लोगों से चुनावों में समर्थन देने का आह्वान किया। नीरज कुंदन ने पटियाड़ी में लोगों के साथ एक नुक्कड़ सभा कर उन्हें कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवाकर भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुध लेने में विफल रही है। एक बंदे की जोड़ने का काम किया, ग्रां ग्रां जड़ा है, मतलब कांग्रेस की एक विजिबिलिटी लोगों की अपने कन्ने लेने का काम किया है और उसका जड़ा नजारा है इसलिए सारे सामने भी जड़ा है वो बेहतर है, बेहतर है। फिर पार्टी बाद च डिलिमिटेशन हुई तो सीट जड़ी रिजर्व हुई और जल्द रिजर्व हुई तो पार्टी का एक किस्म का आदेश हो कि तुम जी इलेक्शन जी लड़नी और जायज की गल है। बंदा इलेक्शन उधर गै लड़ता है जिधर तो उधर घर हो तो उस दिन की अं जी है अपनी तैयारी जी शुरू की। हूँ गल इस बात है कि पिछले 10 साल की जी भरद्वाज साहब ने भी गल की 10 साल की पार्टी और सरकार जी इत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हूँ जोड़े भी अं हिसाब किताब लेने वह अं उन्हें कोला लेने इतलाह की गल जी है भरद्वाज साहब ने भी की कि हून इस 10 साल का अगर अं हिसाब किताब लैना है, अगर अं 10 साल इंटे को हिसाब किताब लैना है जिन्हे सारी पावर इंटे को रही एम पी इंदा मनोज सिन्हा एल जी इंदा तो यह हिसाब किताब तो इंटे को लैना ना कि साढ़े ग्रां का जो तलाक अली नहीं बने। बिश्नाह विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत को कई समुदायों का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर राजीव भगत को बिश्नाह की कश्यप राजपुता सभा के अलावा ब्राह्मण सभा, विश्वकर्मा सभा व सांसी समाज ने भी विधानसभा चुनावों में समर्थन देने का ऐलान किया है। बिश्नाह में आयोजित एक बैठक के दौरान इन सभी सभाओं के अलावा सांसी समाज के वरिष्ठ लोगों ने चुनावों में डॉक्टर राजीव भगत के पक्ष में वोट डालने का प्रण लिया, जिसके लिए डॉक्टर राजीव भगत ने उनका आभार जताया। मेरी खुशकिस्मत समझा अपने आप ही तो मैं पहली बार दिखा इलेक्शन बिच जिस हिसाब ने बरादरियां भी अगर बड़ी चढ़ी अपना समर्थन दिया गया सारा पहले मैं हिमाचल बरादरी दिता अपना समर्थन फिर अच्छ मैं अपने ब्राह्मण साहब का पूरा समर्थन मिले जहाँ मैं अच्छ ओबीसी समाज का समर्थन मिला उन्होंने थोड़ा हो रहा उ होर बरादरी आई भी मैं अपना समर्थन दिया अहम कोई ऐसे कदम किए हैं कि मैं अच्छे फल मिला दा इस वास्ते मैं तुम्हारा सारे का शुक्रगुजार हाँ साथियों जिया तुम्हें सारे पता कि हम इलेक्शन का टाइम है इसलिए इसलिए मैं सारे अपील करें क्योंकि टाइम बड़ा घट है इसलिए सर अपील करें कि बड़ी चढ़िया भी अपना साथ दो आशीर्वाद दो ताकि मैं असैम्बली जाइए थोड़े मुद्दे चुका तो जो भी फिर पिछा की डिवेलपमेंट के जो मुद्दे ने उन्हें जोर शोर उठाई सकता तो एक बार फिर मैं अपील करें पहली तरीक सारे मिली है एक नंबर पर दो नंबर पर जी भारतीय जनता पार्टी का निशान फुल उसी बजवाओ तो उस पर फुल के फुल करो तो भारतीय जनता पार्टी जी विधानसभा चुनावों के इस दौर में जारी स्वीप अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को उनके वोट की अहमियत की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू संभाग के खूबसूरत पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में उधमपुर जिला प्रशासन द्वारा आज कई गतिविधियां करवाई गई जिनके माध्यम से लोगों से बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार की इस्तेमाल करने का आह्वान किया गया। इस दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई और इसके अलावा कुछ बाइकर्स ने भी वोटरों को हर हाल में मतदान करने का संदेश दिया। आपको बता दें कि उधमपुर जिले में तीसरे चरण में मतदान होने जा रहे हैं। उधमपुर जिले में थर्ड फेज के इलेक्शन है जो कि 1 अक्टूबर 2024 को हमारी चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, चिनैनी और रामनगर में इलेक्शन होंगे और आज हमने चिनैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पट्टी टॉप एरिया में हमने आज मेगा स्वीप कार्यक्रम कराया जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया, काफ़ी एंथुजियाज्म दिखाया और हम
स्वीप के कैंपेन्स के माध्यम से लोगों को यही अपील करते हैं कि वो अपना मतदान ज़रूर करें। ये सिर्फ आपका राइट ही नहीं मगर आपकी ड्यूटी भी है जो आपको ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की सरकार चुने और अपनी जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो सही चैनल पर उसको प्रेजेंट करें। फाइनलगढ़ में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है, अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।